स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, क्या आपके साथ ये कभी हुआ है कि आपका गला खराब हुआ है, आपको थ्रोट इन्फेक्शन हुआ, या फिर आपको एक सर्दी खांसी हुई है और आपके घर वालों ने, आपके मम्मी हो, पापा हो, भाई बहन हो, उन्होंने कहा कि यार एंटीबायोटिक ले लो, एजिथ्रोमाइसिन ले लो या फिर एमोक्सिलिन ले लो, जल्दी से खत्म हो जाएगा। और आपने उनकी बात सुन भी ली, आप चले गए मेडिकल, ओवर द काउंटर आपने बोल दिया कि भैया मुझे एजिथ्रोमाइसिन दे दो, और उन्होंने आपको एजिथ्रोमाइसिन दे भी दिया विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन। आपने टैबलेट ली और आपको अच्छा फील हुआ, यानी कि आपकी पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट हुई। आज आपने एक एंटीबायोटिक ली विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, विदाउट द प्रिस्क्राइब कोर्स ऑल्सो, बीच में बंद भी कर दी जैसे आपको ठीक लगने लगा। तो आपने अगली बार भी वही किया, उसके अगली बार भी वही किया, लेकिन एक समय आएगा जब आपने ये देखा कि यार वो एंटीबायोटिक अब काम नहीं कर रही है। ये फेनोमेना आई एम क्वाइट श्योर कि बहुत सारे व्यूअर्स के साथ हो चुका है। आज हमारी चर्चा उसी पे होने वाली है कि इंडिया में एंटीबायोटिक यूज इतना एक्सटेंसिव क्यों है और एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से प्रॉब्लम्स क्या होती है। हाल ही में एक स्टडी पब्लिश हुई है लैंसेट में। लैंसेट एक काफी रिनोन्ड पब्लिकेशन हाउस है, 1823 से मेडिकल पीयर रिव्यूड पेपर से पब्लिश करते हैं। हाल ही में एक पेपर पब्लिश हुआ जहां पे ये बताया गया कि इंडियंस यूज एंटीबायोटिक्स एक्सटेंसिवली, एंड आई एम क्वाइट श्योर एवरीबॉडी रिलेट्स विद इट। जितने भी व्यूअर्स हैं रिलेट भी कर लेंगे, क्योंकि मैं कहता हूं इंडिया में यार बहुत सारे सेल्फ डॉक्टर्स हैं, सेल्फ मेडिकेशन लेते हैं। सर्दी हो गई ये ले लो, आपका गले में खराश है ये ले लो, आपकी थोड़ा थ्रोट इन्फेक्शन हुआ यार एंटीबायोटिक ले लो, राइट? अब आज बात करते हैं कि एंटीबायोटिक इतने ज्यादा लेने से प्रॉब्लम क्या होती है। इस स्टडी ने पब्लिश किया है, सबसे पहले इंडियंस एंटीबायोटिक बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, कौन सी वाली? एजिथ्रोमाइसिन। और आप जानते हैं कि एजिथ्रोमाइसिन ओवर द काउंटर आप चले जाओगे, जो मेडिकल वाला बंदा है वो आपको प्रिस्क्रिप्शन में नहीं पूछेगा। 3 टैबलेट की स्ट्रिप आती है, 5 टैबलेट की स्ट्रिप आती है, 50 रुपए में 3 टैबलेट की स्ट्रिप आती है। आपने एक ले ली, ठीक लगा, फिर से वैसे साइकिल को कंटिन्यू किया, लेकिन एक समय के बाद वो चल नहीं रही है। क्यों? क्योंकि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस आ जाता है, यानी कि जो बैक्टीरिया है जो वो आपको बीमारी कर रहा था वो खुद म्यूटेट हो गया है, वो उस मेडिसिन को, वो उस ड्रग को रेजिस्टेंट हो चुका है, यानी कि वो एक सुपरबग बन चुका है। इसी के बारे में हमारी चर्चा चलने वाली है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि इंडिया में एंटीबायोटिक्स का यूज इतना एक्सटेंसिवली क्यों होता है, उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या रेगुलेशन है, सरकार क्या कर रही है, इन सभी चीजों के ऊपर हमारी डिस्कशन होगी। इनफैक्ट चर्चा शुरू करते हैं एक सवाल के साथ। बड़े सिंपल सा सवाल मैंने बनाया आपको यहाँ पे, आपकी ज्यादा मुझे सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ी। जो ये पेपर पब्लिश हुआ उसकी एक मेजर फाइंडिंग थी, पहली लाइन यही थी कि भैया इंडिया में इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स इज अ सिग्निफिकेंट ड्राइवर फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन इंडिया। इस चीज को आपको डिस्कस करना है, क्यों होता है ये, उससे क्या प्रॉब्लम्स होती है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस या फिर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को हम लोग यहाँ पे समझेंगे, साथ ही साथ सरकार क्या कर रही है इसके ऊपर भी हम लोग ध्यान देंगे। इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको काफी अच्छा कंटेंट मिलेगा इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन, सो स्टे ट्यून्ड टू गेट ऑल दैट इन्फॉर्मेशन। लेट अस बिगिन। लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि स्टडी आईक्यू का फाउंडेशन बैच 5 जो है उसकी शुरुआत हो रही है 14 सितंबर को, और आपको ये ध्यान रखना है कि दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट बैच जहां पे आपकी 6 बजे क्लासेस चलेंगी। और आप जानते हैं कि फाउंडेशन बैच इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर यूपीएससी सिविल सर्विसेज नीड्स। प्रीलिम्स की आपकी तैयारी हो जाएगी, मेंस की आपकी तैयारी हो जाएगी, मैं कहूंगा पर्सनालिटी टेस्ट की भी तैयारी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास 1-to-1 मेंटरशिप है, ग्रुप मेंटरशिप है, ज्ञानवाणी सेशन चलते हैं जिससे कि आप पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हो। ऑलरेडी 2 महीने से जो एस्पिरेंट्स जुड़े हुए हैं उनके टेस्टिमोनियल्स आप देख सकते हो कि क्या है हमारा अप्रोच। हमारा अप्रोच केवल पढ़ाना नहीं है, ऑफकोर्स सिलेबस तो कंप्लीट होगा, 900 घंटों से ज्यादा लाइव क्लासेस चलेंगी, बट केवल पढ़ाना उद्देश्य नहीं है। देखिए, जो पढ़ाया है, जो आपने नॉलेज गेन किया है, उसको अप्लाई करना बहुत जरूरी है, और यही हमारा अप्रोच भी है कि हर एक मॉड्यूल के बाद आप अपनी नॉलेज को अप्लाई करोगे एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए, आप अपनी नॉलेज को अप्लाई करोगे आंसर राइटिंग में, ताकि आप अपनी क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ाओगे। और स्टडी आईक्यू का उद्देश्य आप जानते हो, अफोर्डेबल एजुकेशन टू ऑल। ये पूरा कोर्स आपको मिलेगा 18999 में, इतने में तो टेस्ट सीरीज आती है यूपीएससी की, इतने में आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज में इंक्लूड है, सारी चीजें इसमें इंक्लूड है। केवल आपको एक काम करना, यू हैव टू यूज द कोड राहुल लाइव। जब भी आप चेकआउट करो, वेबसाइट हो या फिर ऐप हो, वहां पे चेकआउट करें, RAHULLIVE इस्तेमाल करें, यू विल गेट इट फॉर 18999। डू इट बिफोर 14th सितंबर। चलिए
शुरुआत करते हैं बेसिक्स के साथ। बेसिक्स क्या है? एंटीबायोटिक्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटीबायोटिक्स? देखिए, एंटीबायोटिक एक ड्रग है, एक सब्सटेंस है, एक केमिकल है जो दूसरे बैक्टीरिया को मार गिराता है, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार गिराता है, मैं कह सकता हूं, जो आपकी बॉडी में हानि कर रहा है। और हम सब जानते हैं स्कूल लेवल से एंटीबायोटिक्स की शुरुआत कब से हुई। हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट एंटीबायोटिक्स? इट वॉज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स। 1928 में उन्होंने ढूंढ निकाला पेनिसिलिन। अब पेनिसिलिन जब ढूंढ निकाला, दिस वॉज कंसिडर्ड एज अ मैजिक पिल, मैजिक मेडिसिन। इनफैक्ट पेनिसिलिन की वजह से विश्व युद्ध दो में बहुत सारे जो सोल्जर्स है जो घायल हुए थे उनकी जान बची, थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स वर सेव बिकॉज ऑफ पेनिसिलिन। अब पेनिसिलिन द फर्स्ट एंटीबायोटिक क्या करता है ये एंटीबायोटिक? जैसे कि मैंने आपको बताया, इट इज अ ड्रग और अ सब्सटेंस। मैं इतने सारे टर्म क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं? क्योंकि जो एंटीबायोटिक होता है, वी कैन डिराइव इट फ्रॉम अनदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और वी कैन सिंथेटिकली प्रोड्यूस इट ऑल्सो। सो दैट इज वाई आई एम कॉलिंग इट अ सब्सटेंस और अ केमिकल ऑल्सो। और ये जो ड्रग रहेगा, सब्सटेंस केमिकल, ये मार गिराएगा उन बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स को जो आपकी बॉडी में हार्म करते हैं, जो आपकी बॉडी में इन्फेक्शन ला रहे हैं। प्रेडोमिनेंटली एंटीबायोटिक्स डू वर्क ऑन बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया जो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम कर रहे हैं उसके ऊपर ये अटैक करेगा। अब आपको ध्यान रखना है, एंटीबायोटिक्स जब आप लोगे तो वायरस पे काम नहीं करेगा। अगर आपको वायरल फीवर है तो अगर आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हो, इट इज एक्चुअली अ प्रॉब्लम फॉर यू। क्यों? क्योंकि देखिए, जब से पेंसिलिन आया है 1928 से, तब से हम लोगों ने बहुत सारे वेरिएंट प्रोड्यूस किए हुए, बहुत सारे वेरिएंट्स हम लोगों ने डिस्कवर किए हुए। अलग अलग क्लासेस हैं, जैसे कि पेनिसिलिन की क्लास है, सेफेलोस्पोरिन है, टेट्रासाइक्लिन है, मैक्रोलाइड्स है। जैसे पेनिसिलिन में प्रोमिनेंट अमोक्सिसिलिन आपको मिल जाएगा, सेफेलोस्पोरिन में आपको प्रोमिनेंट सेफेक्सिम आपको मिल जाएगा, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो बहुत सारे डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। टेट्रासाइक्लिन आपको मिलता है, मैक्रोलाइड में आपको मिलते हैं एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन जो थ्रोट इन्फेक्शन के लिए आप इस्तेमाल करते हो, या फिर आपको सल्फोनामाइड्स मिलते हैं जब पेट खराब होता है, डायरिया हो जाए तो मेट्रोनिडाजोल या फिर ट्रिंडाजोल आपको दिया जाता है। क्विनोलोन्स टीबी के लिए फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन एंटीबायोटिक्स भी डेवलप हो चुके हैं। टीबी में भी कई बार एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस हम लोगों ने जरूर देखा है। अब ये क्यों होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपको एक वायरल फीवर हुआ है और आपने एक एंटीबायोटिक टैबलेट ले ली तो क्या होगा? देखिए, एंटीबायोटिक्स ऑफ कोर्स काम करेंगे बैक्टीरिया के ऊपर, यानी कि वो बैक्टीरिया को मार गिराएगा, लेकिन किस बैक्टीरिया को मार गिराएगा ये जरूरी है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि कुछ एंटीबायोटिक्स है जो दूसरे प्रोटोजोआ को भी मार गिराते हैं। प्लीज रिमेंबर, व्हेन वी टेक एंटीबायोटिक्स, इट डज वर्क ऑन सम प्रोटोजोअन एंड सम फंगाई ऑल्सो, बट नॉट ऑन वायरसेस। तो बैक्टीरिया को मार गिराएगा, किस बैक्टीरिया को मार गिराएगा ये नहीं देखता। जब भी आप एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक लेते हो, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक मतलब अलग अलग बैक्टीरिया को मारने की उनके पास क्षमता होती है। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जब आप लोगे तो आपने कई बार देखा होगा एंटीबायोटिक खाने के बाद आपकी पेट गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? आपकी बॉडी में कई सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपको डाइजेशन में मदद कर रहे हैं, लेकिन एंटीबायोटिक उन्हें भी मार गिराता है, इसीलिए आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स भी हो जाती है। लेकिन इससे भी बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जो मैंने आपको बताया कि अगर आप रिपीटेड साइकिल्स में एंटीबायोटिक्स लेते हो, देन द प्रॉब्लम ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। सो ABR या फिर AMR टर्म में इस्तेमाल करता जाऊंगा रिपीटेडली। अब देखिए, भारत एक फार्मास्यूटिकल जायंट है, भारत में बहुत सारी मेडिसिन प्रोड्यूस होती है, भारत एक बहुत बड़ा कंज्यूमर है एंटीबायोटिक्स का भी। अब एंटीबायोटिक जब आप लोगे तो प्रॉब्लम क्या होती है? एक तो पेट खराब तो हो ही रहा है, टेम्पररी प्रॉब्लम, लेकिन अगर आप रिपीटेड साइकिल्स में एंटीबायोटिक ले रहे हो तो वो जो बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंट बन जाएगा। ये फिगर आपको एक्सप्लेन करेगा। देखिए, ये है पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया जो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको मारने के लिए आपने क्या कर दिया? आपने एक एंटीबायोटिक खा ली, मेडिसिन खा ली, तो इस एंटीबायोटिक ने इन बैक्टीरिया के ऊपर इफेक्ट कर दिया, पहली बार कर दिया, दूसरी बार कर दिया, बैक्टीरिया भी खुद को म्यूटेट करेगा। अब ये नॉर्मल फिनोमेना है, सर्वाइवल, सेल्फ प्रिजर्वेशन। ह्यूमंस आर द मोस्ट डेंजरस एनिमल्स। देखिए, अगर हम पे कोई आपत्ति आ जाती है तो हम खुद को बचाने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, तो वैसे ही बैक्टीरिया भी करेगा। बैक्टीरिया देख रहा है कि भैया मुझ पे एंटीबायोटिक अप्लाई किया जा रहा है, तो मैं खुद को बदल दूंगा, तो खुद को बदल के ये म्यूटेट हो जाएगा। शुरुआती दौर में केवल कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो म्यूटेट हो जाएंगे। अब इसने देखा कि इसके ऊपर एंटीबायोटिक वर्क नहीं कर रहा है, यानी कि ये जो बैक्टीरिया है इसके ऊपर आपकी एंटीबायोटिक मेडिसिन काम नहीं कर रही, ये खुद को पॉपुलेट कर लेगा और ये आपको दूसरी बीमारियां देगा, नई तरह की बीमारियां देगा। नो, दिस इज कॉल्ड एज सुपर बग। ये ध्यान रखना है आपको, कभी कभार इस पे MCQ बन सकता है कि सुपर बग का मतलब क्या है। SUPERBUG, सुपर बग्स
वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, नॉट जस्ट बैक्टीरिया, वो वायरसेस, वो बैक्टीरिया, वो प्रोटोजोन्स, वो फंगाई जो एंटीबायोटिक्स या फिर दूसरे मेडिकेशन से इम्यून हो चुके हैं, उन्होंने खुद को बदल दिया है, खुद के अंदर उनका डीएनए म्यूटेट हो गया, उनके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी आ गई है जो एंटीबायोटिक्स के प्रति रेजिस्टेंट हो चुके हैं। कई सारे सुपरबग्स हमें पता है ऑलरेडी, देखिए जैसे कि एसिनेटोबैक्टर बोमानी है, इनफैक्ट इंडिया से भी कई साल पहले मुझे याद है प्रिपरेशन की फेज में देर वॉज समथिंग कॉल्ड एज एनडीएम 11, राइट, दिस वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड एज वन ऑफ द सुपरबग फ्रॉम इंडिया। अब ये सुपरबग की दिक्कत क्या हो जाती है, देखिए आपको ये समझना है, सबसे पहले तो एंटीबायोटिक्स पे नहीं चल रहा है, अब मेरे समझ लीजिए मैं रेजिस्टेंट हो चुका हूँ एंटीबायोटिक मेडिसिन से, मेरे अंदर ऐसा बैक्टीरिया है जो एंटीबायोटिक्स पे काम नहीं कर रहा। अब मैं इंडिया से निकल गया, लेट मी इमेजिन आई वेंट टू अफ्रीका, ऐसे ही ट्रिप पे चला गया अफ्रीका, अब अफ्रीका में मैंने उस बैक्टीरिया को स्प्रेड कर दिया, राइट, सो प्रॉब्लम क्या है, इट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया, दिस इज द बिग प्रॉब्लम। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे स्टडी की न्यूज के बारे में, द लेटेस्ट न्यूज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट जो लैंसेट में पब्लिश हुई थी, उन्होंने इसी चीज को हाईलाइट किया है, लैंसेट साउथ एशिया में पब्लिश हुई थी, इन्होंने ये बताया कि इंडिया में जो सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स है उनका यूज काफी एक्सटेंसिव रहा 2019 में। सो इन्होंने एनालाइज किया 2019 से जुड़ा हुआ डेटा। इससे पहले कि मैं स्टडी में चलूं, आपको मैं इनका मेथड बताना चाहूंगा, अब आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा मेथड क्यों बता रहा हूँ। इन्होंने क्या किया है, एक ऑर्गेनाइजेशन है फार्म ट्रैक करके, एक नेशनल रिप्रेजेंटेटिव है फार्मास्यूटिकल सप्लायर्स का, इनसे इन्होंने डेटा लिया है 9000 स्टॉकिस्ट इंडिया में, अक्रॉस दी स्टॉकिस्ट हाउ मेनी एंटीबायोटिक्स वो स्प्रेड, इन्होंने ये देखा। इसके अलावा इन्होंने एक्सेस, वॉच और रिजर्व क्लासिफिकेशन की, उसके अंदर इन्होंने देखा कि लोग किस तरह इसको कंज्यूम कर रहे हैं, इसको उन्होंने स्टडी किया। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसमें गवर्नमेंट का कोई डेटा सेट नहीं है, इन्होंने अपना खुद का प्राइवेट सेक्टर से फार्म ट्रैक से डेटा सेट उठाया और खुद उन्होंने एनालिसिस किया, 2019 का इन्होंने डेटा दिया। अब क्या डेटा दिया, लेट अस लुक एट द डेटा। देखिए डेटा में इन्होंने बताया कि इंडिया में 2019 में एक्सटेंसिवली एंटीबायोटिक इस्तेमाल किए गए थे, कितने यूनिट्स गए, द टोटल वॉल्यूम ऑफ एंटी इन्फेक्टिव सोल्ड इन इंडिया इन 2019 वॉज 2,807 मिलियन। अब इसमें क्या हम लोगों ने इस्तेमाल किया, क्या हम लोगों ने कंज्यूम किया, देखिए इस पर्टिकुलर रिपोर्ट से एक डेटा काफी आपत्तिजनक आता है और वो डेटा है ये, जहां पे मैंने हाईलाइट किया है ये जो आंकड़ा है 47.1, इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। जो पूरा 2019 में ड्रग्स बिके, जो एंटीबायोटिक्स ड्रग बिके, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन हो, इंडिविजुअल एंटीबायोटिक्स हो, उसमें 47.1 ऐसे ड्रग्स थे जो CDSCO अप्रूव्ड नहीं थे, यानी कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, इनके अनअप्रूव्ड अभी भी अप्रूव नहीं हुए कुछ इस तरह के ड्रग बिके, विच इज वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि इंडिया में वी डू अंडरस्टैंड दैट देर इज अ प्रॉब्लम ऑफ रेगुलेशन, रेगुलेशन से जुड़ी हुई बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, तो यहां पर हाईलाइट भी किया गया। इसके अलावा कौन सी हम लोग सबसे ज्यादा मात्रा में ये जो लेते हैं एंटीबायोटिक्स, इस रिपोर्ट ने बताया इंडियंस आर वेरी फॉन्ड ऑफ वन पर्टिकुलर एंटीबायोटिक दैट इज एजिथ्रोमाइसिन, जो मैंने आपको बताया एजिथ्रोमाइसिन। एक्चुअली एजिथ्रोमाइसिन फर्स्ट राउंड में नहीं दिया जाता है, राइट, तो आपको ध्यान देना है, लेकिन हम लोग एजिथ्रोमाइसिन बहुत ज्यादा लेते हैं, 640 मिलियन यूनिट्स वर सोल्ड ऑफ एजिथ्रोमाइसिन। उसके बाद अगला है अनदर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दैट इज सेफेक्सिम, इसके अलावा दूसरे है, राइट, एमोक्सिसिलिन हो गया, एमोक्सिसिलिन क्लेवोलैनिक एसिड वाला, एमोक्सिसिलिन पोटेशियम क्लेवोलैनेट वाले टैबलेट्स, बहुत सारी बिके हैं यहाँ पे, ये बताते हैं, ठीक है। सो इंडियंस आर वेरी फॉन्ड ऑफ दीज एंटीबायोटिक्स। अब दिक्कत क्या है, व्हाट इज द बेसिक प्रॉब्लम, कि अगर हम लोग एंटीबायोटिक खा भी रहे हैं तो उससे प्रॉब्लम क्या है, मैंने आपको बताया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाता है, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता है। अब सवाल ये है कि इंडिया में इतने ज्यादा एंटीबायोटिक्स बिकते क्यों हैं, कुछ फैक्टर से आपको ध्यान रखना है। इंडिया इज अ फार्मास्यूटिकल जायंट ऑफकोर्स, और इंडिया में मैं कहूंगा बहुत सारे लोग सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, ठीक है, क्योंकि डॉक्टर की फीस बहुत ज्यादा है, डॉक्टर के पास क्या जाए यार, पिछली बार डॉक्टर ने वही टैबलेट दी थी, इस बार भी मैं वही ले लेता हूँ, राइट। क्या प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक चीज की, इंडिया में फॉर्मल सिस्टम नहीं है टू मॉनिटर एंटीबायोटिक्स, इसीलिए मैंने आपको इनकी मेथोडोलॉजी बताई थी। अब अगर सरकार का डेटा इनके पास अवेलेबल होता तो काफी अच्छे से सरकार का डेटा इस्तेमाल कर लेती, लेकिन सबसे बड़ी आपत्ति इंडिया में यह है कि फॉर्मल सिस्टम नहीं है कि एंटीबायोटिक्स किस तरह से कितने सोल्ड हो रहे हैं, कितने सेल हो रही है, सारी डेटा नहीं है सरकार के पास। इसके अलावा दूसरा प्रॉब्लम है ओवर द काउंटर सेल्स होते हैं, रेगुलेशन नहीं है इंडिया में, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होती है एंटीबायोटिक्स,
और कई बार ऐसा होता है कि आप चले जाइए फार्मेसी पे, चले जाइए मेडिकल पे, चले जाइए, उस बंदे को बोल दिए भाई एजिथ्रोमाइसिन दे दो, बोले दे देगा निकाल के। आपसे ये भी नहीं पूछा किस डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, कितनी चाहिए, कितनी लेनी है। और जब भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं एक साइकिल प्रिस्क्राइब करते हैं, राइट, 5 दिनों तक लेना है, 3 दिनों तक लेना है ऐसे। और डॉक्टर्स ये कहते हैं कि साल में 3 से 4 बार एंटीबायोटिक कोर्स आप मत कीजिएगा, अगर आप करोगे देन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होने का बहुत बड़ा चांस होता है। लेकिन इंडिया में यार ओवर द काउंटर इतनी ज़्यादा सेल्स हो जाती है तो लोग दे कंज्यूम एंटीबायोटिक्स, राइट। इसके अलावा मैंने आपको बताया इंडिया इज अ फार्मा जायंट, तो फार्मा जायंट है इसका मतलब है रैम्पेंट मैन्युफैक्चरिंग होती है, रैम्पेंट मार्केटिंग होती है। आपने देखा होगा कई बार डॉक्टर्स के पास बहुत सारे MR पहुंच जाएंगे कि आप ये गोली प्रिस्क्राइब करो, ये टैबलेट प्रिस्क्राइब करो, ये कंपनी की प्रिस्क्राइब करो, ये नई फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन आई है, काफ़ी इफेक्टिव है। अब देखिए FDCs इतने सारे आ चुके हैं, मैं आपको उदाहरण देता हूँ FDC का, फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन क्या होता है। अब नॉर्मली आपने पैरासिटामोल के साथ कोई और केमिकल आपने देखी होगी, लेकिन मैं आपको FDC इन एंटीबायोटिक भी बता रहा हूँ आप कि एंटीबायोटिक की फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन आ चुकी है। जैसे कि आप जानते हो एमोक्सिसिलिन और क्लेवलैनिक एसिड, आपको पता है एमोक्सिक्लैब, एमोक्सिकाइन, ये तो काफ़ी अच्छी टैबलेट भी है। इसके अलावा आपको अलग अलग तरह की कॉम्बिनेशन मिलेंगी, अलग अलग एंटीबायोटिक्स आप इंक्लूड करके एक फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन बनाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि इसके ऊपर टेस्टिंग भी नहीं हुई है, अप्रूव भी नहीं हुई है, दैट इज अनदर बिग प्रॉब्लम। मैंने आपको बताया 47% ऑफ those drugs were unapproved in India. इसके अलावा regulatory problem है, इस paper ने highlight किया है there is a overlap of regulatory powers between center and state, जिसकी वजह से appropriately हम लोग antibiotic कितना इस्तेमाल हो रहा है, क्या सही मात्रा में इस्तेमाल हो रहा है, ये सब हम लोग regulate नहीं कर पा रहे। We are not able to control the sale, the consumption, the practices among people with respect to antibiotics. इसके अलावा एक और भी problem है, एक और प्रॉब्लम है विद रिस्पेक्ट टू द डॉक्टर्स। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि सेल्फ मेडिकेशन तो हम लोग करते हैं, इसके अलावा डॉक्टर्स का भी प्रॉब्लम यार, डॉक्टर्स का भी ऐसा हो चुका है इतने ज्यादा, सबसे पहले तो ज्यादा पेशेंट है कम डॉक्टर है। देखेंगे अच्छा ठीक है आपको क्या हुआ है, थ्रोट इन्फेक्शन, लिख दिया आपने एंटीबायोटिक, तो डॉक्टर भी ओवर प्रिस्क्राइब करते हैं। बहुत सारी स्टडीज हाईलाइट हो चुकी है जहां पे डॉक्टर डिस्टिंग्विश भी नहीं करते हैं कि इज इट अ स्ट्रेप थ्रोट और इज इट अ सोर थ्रोट। अगर स्ट्रेप थ्रोट है तो इसके ऊपर एंटीबायोटिक काम चल जाएगी, अगर सोर थ्रोट है ये तो वायरल डिजीज है, इसके ऊपर एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी। यहाँ पे डॉक्टर बोल देगा भाई कि आप गार्गल कर लो, आप बिटाडीन का गार्गल कर लो, आप वो चीजें कर लो, ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर स्ट्रेप थ्रोट है ठीक है एंटीबायोटिक चलेगी। लेकिन स्टडीज ने ये दिखा दिया है कि इंडिया में ही नहीं हर जगह पे एंटीबायोटिक्स एक्सटेंसिवली प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, और ये केवल ह्यूमंस में नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि भैया ह्यूमंस में ही नहीं, एनिमल्स में भी जब बीमारी होती है हाई एंटीबायोटिक इस्तेमाल किया जाता है, एंटीबायोटिक केमिकल्स, एंटीबायोटिक मेडिसिन एग्रीकल्चर में भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो इसकी वजह से एक्सटेंसिव प्रॉब्लम्स हो रही हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। हम लोगों ने TB के केस में भी देखा है, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, अलग अलग जनरेशन भी देते हैं क्योंकि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इज इवॉल्विंग। अब हम लोगों ने प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर ली, अब कर क्या सकते हैं, व्हाट कैन वी डू, सिंपल सा सॉल्यूशन है यार, सिंपल सॉल्यूशन है, इसको यार कंट्रोल करना पड़ेगा, वी हैव टू रेगुलेट इट समहाउ, या वी हैव टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, दैट इज द ओनली सॉल्यूशन। अब इसके अलावा एक और सॉल्यूशन ये हो सकता है कि प्रिस्क्रिप्शन में जब डॉक्टर देंगे तो भैया आप रैपिड डायग्नोस्टिक कीजिएगा। नॉर्मली क्या होता है कि डॉक्टर देखेंगे अच्छा गला खराब है, खराश हो रही है आपको, एंटीबायोटिक ले लो। लेकिन जब आप टेस्टिंग करोगे, अगर आपकी रैपिड टेस्टिंग में पता चला कि नहीं भैया बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, तो आप एंटीबायोटिक नहीं दोगे। अगर आपको पता चला बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो आप एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर सकते हो। तो दो सॉल्यूशन हो सकते हैं, एक तो आपको कंट्रोल करना है, रेगुलेट करना है, सरकार को यहाँ पे स्वूप इन करना पड़ेगा। केवल सरकार का काम नहीं है, हम सबका भी काम है भैया, खुद डॉक्टर मत बनिएगा, खुद डॉक्टर मत बनिए और खुद सेल्फ मेडिकेशन करके एंटीबायोटिक्स मत फाकिएगा। डू नॉट टेक एंटीबायोटिक्स ऑन योर ओन, देयर इज ऑलवेज अ प्रिस्क्राइब्ड डोज, देयर इज ऑलवेज अ प्रिस्क्राइब्ड साइकिल टू टेक एंटीबायोटिक्स। इसके अलावा मैंने आपको बताया अगर रैपिड डायग्नोस्टिक हो जाएगी तो हम लोग एक पिन पॉइंटेड मेडिसिन, पिन पॉइंटेड एंटीबायोटिक जरूर दे सकते हैं। अब एक और आपके दिमाग में जरूर सोल्यूशन आ जाएगा, सोल्यूशन ये होगा कि सर ठीक है अगर बैक्टीरिया इतना शातिर है कि खुद को म्यूटेट कर रहा है तो हम लोग भी शातिर बनते हैं और नए एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करते हैं, कि पेनिसिलिन था, सेफेलोस्पोरिन था, मैक्रोलाइड्स थे, आपने अलग अलग बनाए, एक और क्लास बना दो जो बैक्टीरिया को खत्म कर पाएगा। अब देखिए आइडियली ह्यूमंस आर वेरी स्मार्ट, मैंने आपको बताया ह्यूमंस आर नॉट जस्ट स्मार्ट बट ह्यूमंस आर वेरी डेंजरस ऑर्गेनिजम्स, तो ये कर सकते हैं बिल्कुल, दिस इज अ वेरी गुड सॉल्यूशन कि भैया आप नए एंटीबायोटिक्स ले आओ, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म खुद ही बदल रहा है तो आप भी बदलो, आज एमोक्सिसिलिन ले रहे हो कल दूसरा एंटीबायोटिक ले लो। बट ये इतना आसान सॉल्यूशन नहीं है, व्हाई, बिकॉज
डेवलपिंग एन एंटीबायोटिक इज एक्चुअली वेरी लेंथी प्रोसेस, इज अ टफ जॉब. अब आप ये आर्ग्यू कर सकते हो, सर आपने बताया कि 1928 में सबसे पहले पेंसिलिन बनी और आज हम लोग 2022 में हैं और आपने मुझे इतना सारा साइकिल बता दिया, 2022 में सो मेनी ड्रग्स आपने बता दिया, लेकिन अभी क्यों बनाना मुश्किल हुआ था? क्योंकि वी हैव एग्जॉस्टेड और वी हैव सेट, वी हैव कम टू द लिमिट. आप देख सकते हो यहाँ पे, लैक ऑफ इनोवेशन इज सेट टू अंडरमाइन द एंटीबायोटिक परफॉर्मेंस, ये WHO कह चुका है. इसके अलावा अगर आप एक्सपर्ट्स की सुने, इट इज वेरी वेरी टफ फॉर अस टू डेवलप एंटीबायोटिक्स. सबसे अच्छा सोल्यूशन तो ये होगा कि भैया आप एंटीबायोटिक भी लो और नए एंटीबायोटिक बनाओ, राइट? लेकिन अगर आप यहां पर देखिएगा, रिसर्चर्स एक्सप्लेन द बिगेस्ट चैलेंजेस विद फाइंडिंग नोवेल एंटीबायोटिक्स. वॉट इज द प्रॉब्लम? पैसा पंपिंग होता है, रिसर्च कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नए ड्रग्स नहीं आ रहे हैं, सेम ड्रग या फिर उसके थोड़े से इंप्रूव्ड वर्जन्स आ रहे हैं. इनफैक्ट आप देख सकते हो, द लास्ट इंपॉर्टेंट ड्रग टू बी मार्केटेड वॉज इन 1984, जो FDA में अप्रूव हुआ था. तब से लेकर आज तक कोई नया एंटीबायोटिक नहीं आया है. इसीलिए एंटीबायोटिक में आपको फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, FDCs बना के अलग अलग एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल कर मिक्स करके कुछ हो सकता है क्या, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा हमें नहीं पता है. सो इट्स नॉट वेरी इजी. जैसे कि मैंने आपको बताया, व्हाट इज द सॉल्यूशन? द बेसिक सॉल्यूशन इज टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स इन इंडिया. ऑल्सो रैपिड टेस्टिंग करेंगे तो जहां पर जरूरत है वहां पर हम लोग एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर सकते हैं. ऑफकोर्स नया अगर आ जाएगा तो शायद, लेकिन नया बनाना काफी टफ है. अब इसके प्रति सरकार क्या कर रही है? जैसे कि मैंने आपको बताया, दीज आर द इशूज. सरकार ने भी इस इशू को आइडेंटिफाई किया है. TB प्रोग्राम चल रहा है. TB में भी हम लोगों ने देखा है कई बार फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स से सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग, थर्ड लाइन ऑफ ड्रग्स पे जाते हैं. वहां पे भी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं. सरकार भी इसको एक्नोलेज कर चुकी है. 2011 में ही नेशनल पॉलिसी ऑन कंटेनमेंट ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस आ चुका है. यानी कि 2011 में एक पॉलिसी आई, 2012 में इन्होंने प्रोग्राम भी एक स्टार्ट किया, 2013 में सर्विलेंस नेटवर्क भी बनाया है. इन सभी चीजों के बावजूद इंडिया में एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल बहुत एक्सटेंसिव है 2019 में. इसके अलावा हम लोग इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी कर रहे हैं. इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ग्लास. इसको ध्यान रखिएगा, WHO स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम, समथिंग कॉल्ड एज ग्लास. इट इज ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड यूज सर्वेलेंस सिस्टम. यहाँ पे WHO के साथ देश अपना डेटा शेयर करते हैं, सर्विलेंस में मदद मिलती है कि किस तरह की एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस लेवल पे आप पहुंचे हो. इंडिया भी यहाँ पे डेटा शेयर करता है. इसके अलावा एंटीबायोटिक स्टूवर्डशिप प्रोग्राम चल रहा है इंडिया में. इंडिया के ड्रग रेगुलेटर्स ने 50 से भी ज़्यादा जो नए नए FDCs आए थे इन एंटीबायोटिक्स, उन्हें बैन किया है. लेकिन इन सभी के बावजूद जो रिपोर्ट आई है ऑफ द एक्सटेंसिव यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स इन 2019, इट इज आई ओपनिंग. ठीक है, तो और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है. सरकार कुछ कर रही है, और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है. अ लॉट मोर इज नीडेड, नॉट जस्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट. प्लीज रिमेंबर, इट इज नॉट अ वन कंट्री प्रॉब्लम. ऑफकोर्स इंडिया में अगर प्रॉब्लम शुरुआत हुई, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं इंडिया से निकला अफ्रीका में, वो अफ्रीका में भी प्रॉब्लम हो जाएगी. वहां पे जो ड्रग्स चल रहे हैं वो भी शायद नहीं चले, क्योंकि वहां पे अगर सुपर बग चले जाएंगे देन इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम. अ लॉट मोर हैज टू बी डन बाय ऑल, मतलब a lot more is to be done by the country, by the government, by the WHO, by the global community and us individuals as well. Hamara role kya ho jata hai? Hamara role hota hai ki antibiotic drugs ka istemal aap kam kijiyega. Please use it whenever it is needed only. Khud se self medication mat kijiyega. Jab zarurat hai tab lena hai. Jitna course prescribe kara hai utna hi lena hai. Ye hum log hamari taraf se contribute kar sakte hai. Baki yes, the government has to play a bigger role, global community has to play a bigger role, right? Let us hope that we are up to this particular challenge. Jab bhi iske upar koi update aayega to we'll discuss that again on Study IQ, but that is it right now on this particular discussion. Thank you for watching this video. Aur aapko ye video agar pasand aaye, you can always follow me on my social media handle. This is the ID rahulsai222, right? With that note, thank you for watching this. Jai Hind. Study IQ IAS, ab tayari hui affordable.